मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में शोधों और दुराचारियों के विरुद्ध महाभियान छेड़ने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि महिलाओं, बेटियों, नाबालिग बच्चों और अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध अपराध करने वालों का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए कि वो गले में तख्ती लटकाकर माफ़ी मांगते फिरें या प्रदेश छोड़कर भाग जाएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे मिशन शक्ति के पहले चरण में 9 दिनों तक हर थाने में ऐसे असामाजिक तत्वों की सूची बनाएं, इनकी गतिविधियों पर नज़र रखें, विजयदशमी के ठीक बाद इन पर कार्रवाई का अभियान शुरू करें, इनके परिजनों से इनकी कारस्थानी बताते हुए इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ऐसी कार्रवाइयों की दैनिक रिपोर्टिंग हो और शासन स्तर पर इसकी समीक्षा हो, घोषित दुराचारियों की चौराहों पर फोटो लगाएं, नवरात्र, दशहरा, दिवाली सहित आगामी त्योहारों के दृष्टिगत बेहतर कानून व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों का जायजा ले रहे थे। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा जनपदीय अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति, धर्मगुरु अथवा किसी जनप्रतिनिधि के साथ हुए अपराध की गंभीरता और संवेदनशीलता के दृष्टिगत पुलिस व प्रशासन के अधिकारी विशेष ध्यान दें, इसमें लापरवाही न हो। हालिया कतिपय आपराधिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने पुलिस विभाग को सक्रियता, तत्परता, संवेदनशीलता और कठोरता की नीति अपनाने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि जिला स्तर के अधिकारी त्वरित, प्रभावी और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें, घटना के बाद तुरंत मौके पर पहुंचें, अफवाहबाजों से सख्ती से निपटें और सही तथ्य से जनता को अवगत कराएं ताकि किसी प्रकार का भ्रम ना फैले। देर से हुई कार्रवाई कभी सही नहीं कही जा सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पुलिस व प्रशासन सतर्क रहे, रामलीला व दुर्गा पंडालों पर महिला पुलिसकर्मी सादे वर्दी में तैनात रहें, ड्रोन से निगरानी हो, माफियाओं को संरक्षण दिया तो होगी सेवा समाप्त। मुख्यमंत्री ने कहा कि थाना स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायतों को अब पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों पर भी जवाबदेही तय होगी, किसी माफिया या अपराधी के साथ किसी अधिकारी की संलिप्तता मिली तो उस अधिकारी के विरुद्ध ऐसी सख्त कार्रवाई होगी जो नज़ीर बनेगी। वन माफिया, पशु माफिया, खनन माफिया, ठेका माफिया, दंगा माफिया और इनको प्रश्रय देने वालों पर पूरी सख्ती से निपटें, जीरो टॉलरेंस की नीति जमीन पर साफ दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के विस्तृत प्रभाव को देखते हुए सतर्कता बरतें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी की अनुशासित पुलिस फोर्स को अनुशासनहीन फोर्स के रूप में बदनाम करने की कुछ लोगों की मंशा है, ऐसे लोगों की कुत्सित प्रयास कतई सफल नहीं होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को डीएम व एसपी स्वयं फ़ोन करें, हर कार्यक्रम की सूचना उन्हें ज़रूर दें, शासन के सभी कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि खनन का कार्य शुरू हो गया है, सुचिता बनी रहे, अवैध खनन नहीं होने चाहिए, इसकी जवाबदेही डीएम और एसपी की है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि गिट्टी मोरंग के रेट न बढ़ें। हमारा जो मेन त्योहार का सीजन है ये 17 तारीख से किक ऑफ कर रहा है। इस नवरात्र के समय में पहली बार दुर्गा पूजा के लिए और रामलीला के लिए अनुमति शासन के आदेश से, मुख्य सचिव के आदेश से जारी हो चुके हैं। चहल पहल, बहुत सारा मूवमेंट, बाजारों में मूवमेंट, शहर में मूवमेंट और इसके अलावा बाकी मूवमेंट भी, शहरों के बीच का मूवमेंट भी काफी होगा कि जो पूरे प्रदेश में ये जो 7 दिन का समय होगा इसके डिटेल्स के बारे में तो आप सबको इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है और शासनादेश भी आपको चला गया है कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए विषय आयोजित होगा और इसके बाद ये चरणबद्ध रूप से हर महीने इसमें कुछ न कुछ विभागों को प्राथमिकता देकर, कोई न कोई क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर इसको आगे बढ़ाते हुए अप्रैल का जो नवरात्र का अंतिम दिन होगा, रामनवमी तक, वहां तक जो है ये खत्म होगा। पुरुष हो, लड़के हो, लड़कियां हो, बच्चे हो, सब महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन जो 7 जनपद है जिनमें चुनाव चल रहा है, बुलंदशहर, देवरिया, कानपुर नगर, उन्नाव, जौनपुर, अमरोहा, फिरोजाबाद को छोड़ा गया है, यानी प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक शहरी निकाय के प्रत्येक वार्ड में और
पूरे प्रदेश में 1535 थाने हैं, उनमें जो है ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाएगा। ये जो कार्यक्रम होगा ये लैंगिक आधारित संवेदीकरण, ध्वनि संदेश, साक्षात्कार, प्रशिक्षण, दुर्गा पूजा पंडालों में कार्यक्रम, थानों पर कार्यक्रम, ग्रामीण स्तर पर जागरूकता, इसके साथ साथ महिलाओं में स्वावलंबी बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का इसमें निर्देश दिया गया है। इस पूरे कार्यक्रम को चलाने के लिए 17 तारीख को आपको सभी जिलाधिकारियों को अपने जनपद में अपने प्रभारी मंत्री गणों की उपस्थिति में यथासंभव शुरू करना है। 7 जनपदों को छोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ बलरामपुर जनपद में करेंगे 11 बजे दिन में और 10:30 बजे दिन में, और यहाँ लखनऊ में महामहिम श्री राज्यपाल महोदय जो है 10 बजे फ्लैग ऑफ करेंगी यहाँ पर महिला और सेफ सिटी कार्यक्रम के कॉम्पोनेंट का। यहाँ पर पूरा कार्यक्रम जो चलेगा वो इतना बृहद रूप से चलेगा जिससे कि सभी वर्ग के सभी लोगों को, सभी डिपार्टमेंट्स को और गांव शहर सभी लोगों को जोड़ना होगा। इस कार्यक्रम में एक नायाब चीज ये भी जोड़ी गई है कि प्रत्येक जनपद में एक समिति बनाकर सामाजिक संगठनों को, महिला संगठनों को, मीडिया और जागरूक समाज सेवियों को एक समिति बनाकर रोल मॉडल का भी चयन करना होगा, और ऐसी महिलाओं और बालिकाओं का चयन करके लगभग हर जनपद में 100 रोल मॉडल का चयन करके इन महिलाओं के बीच में इनको एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आगे बढ़ाते हुए महिलाओं और बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने और सुरक्षित परिवेश देने, जन जागरूकता पैदा करने, आत्म सुरक्षा करने को आगे बढ़ाया जाना होगा। इसके साथ साथ रामलीला समिति का जो भी जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी अनुमति देंगे वो इस शर्त के साथ देंगे कि महिलाओं के संदर्भ में जन जागरण का जो ये सुरक्षा का अभियान है, जो उनकी जो उनके बारे में जागरूकता का अभियान